हेलो स्टूडेंट, श्रेयस स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट इज हियर न्यूट्रिशन इन प्लांट। मतलब प्लांट, प्लांट्स का मतलब क्या हो जाता है? पौधे। और न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो जाता है? पोषण। मतलब प्लांट्स में पोषण। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यू ऑल्सो लर्न दैट द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फास्ट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो आप देख सकते हो कि आपने स्टैंडर्ड 6 में देखा था कि जितने भी क्या बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, तो उन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को किसकी ज़रूरत होती है? तो आपने देखा था जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, मतलब कि पानी की सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड बाय न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। तो ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो हमारी बॉडी को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर ऑल देमसेल्फ, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट द प्लांट। दोज ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन प्लांट्स। तो आप क्या देख सकते हो, आपने देखा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स लिविंग्स, जितने भी लिविंग्स हैं, उन सबको किसकी फूड की ज़रूरत होती है ना? फूड की। तो सभी जीवों को किसकी ज़रूरत होती है? फूड की। तो प्लांट्स कैन सिंथेसाइज, तो प्लांट्स क्या करते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं। बट एनिमल्स एंड ह्यूमंस कैन नॉट, मतलब एनिमल्स जो मानव है और जो प्राणी है वो खुद का खाना खुद बना सकते नहीं है। दे गेट्स इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। मतलब कि क्या हो जाता है कि प्लांट भी खाना वहीं से, प्लांट तो अपना खाना खुद बनाता है लेकिन एनिमल्स किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं। दोज ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन प्लांट। तो मतलब वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडिंग किस पे होते हैं? प्लांट्स के ऊपर डिपेंडिंग होते हैं। नाउ इज हियर 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स। मतलब कि हमें यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से, मतलब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की जो मोड्स, मतलब कि विधियाँ होती है। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फ्रॉम देमसेल्फ बाय यूजिंग ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। दे रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। तो मतलब क्या, उनके आसपास, मतलब कि जितने भी मतलब चीज़ें ज़रूरी होती है तो वो वहाँ से क्या करते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मिनरल हो गया, तो वो वहाँ से ले लेते हैं अपना, उनके आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको लेकर अपना खाना खुद बनाते हैं। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एल्डर टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ द टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स। मतलब क्या बोला है कि किस तरीके से हमारा जो बॉडी है, बॉडी का जो डैमेज पार्ट्स है, देयर बॉडीज इज प्रोवाइडिंग बाय एनर्जी। तो हमारी बॉडी को किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो उसे कहाँ से मिल सकती है ना? तो उसे मतलब कि न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो सब उन्हें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन द विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड themselves from the simple substance is called by autotrophic, autoself tropic। ठीक है ना? तो किस तरीके से बोला गया, autotrophics, मतलब कि किसमें क्या हो जाता है कि वो अपना खाना, अपना खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, है ना? nourishment, nutrients there from plants are called by autotrophs। एनिमल्स एंड द मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट। तो कुछ
एनिमल्स होते हैं, है ना, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना खाना कहाँ से लेते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट, दे आर कोल्ड बाय हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोज इक्वल टू अदर्स, मतलब हेट्रोट्रॉप्स जो क्या करते हैं दूसरे के ऊपर, मतलब कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. नाउ वी मैनी आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेशन वे देयर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट और ओनली इन सर्टन पार्ट्स. हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट. तो अब आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम जान सकते हैं कि फूड की फैक्ट्रियाँ कहाँ पर है, मतलब कि पौधों की फैक्ट्रियाँ हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, जहाँ पे कच्ची चीज़ें होती हैं वो किस प्रकार से वहाँ तक पहुँचाई जाती है, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है, आपको यहाँ तक समझ में आया?